वालेकुम आप देख रहे हैं खालिद इकबाल YouTube चैनल और मैं हूं खालिद इकबाल नाजरीन मेरे हाथ में ये एक बिल है जो कि सेनेट में पेश किया गया और पास होने के बाद अब यह क़ानून बन चुका है नाजरीन 21 जून 2021 को सेनेट में एक बिल पेश हुआ जो कि मैंने अभी आपको दिखाया और इसका टाइटल है डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल बीस और ये बिल यूं चुटकी बजाते में पास हो गया इसको सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई ने तो बिल पेश किया था और इन तीनों जमातों ने मिल के अफहमो तफहीम और इतफाक़ राय की ऐसी मिसाल कायम की कि आनन फ़ानन ये बिल जो है न वो पास कर दिया और इसकी इतनी जल्दी थी कि बिल की जो उर्दू कापियाँ होती हैं ताकि बाज़ सटर्स साहबान ऐसे भी हैं जो कि इंग्लिश नहीं पढ़ सकते तो उनके लिए उर्दू की कापीस होती हैं वो भी तकसीम नहीं की गई और यह बिल जो है वो पास कर दिया गया नाजरीन स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन हैं सेनेटर वलीद इकबाल इन्होंने बिल पेश किया और चूँकि ये वायलेंस से मतलब है इसलिए इसको डील करने वाली मिनिस्ट्री जो है वो इंटी, इंटीरियर मिनिस्ट्री है तो इंटीरियर मिनिस्ट्री से भी फौरी तौर पे इन्होंने एन ले लिया और उसमें भी कोई मुश्किल पेश नहीं आई और यूँ इन्होंने वज़ीर अजम पाकिस्तान की पीठ में छुरा घूम दिया जो कि तन तन्हा मदीना की रियासत के असूलों की बात करते हैं कि पाकिस्तान ऐसी रियासत होगी जैसे एक मदीना की रियासत थी और ये बिल मैं जब आपको इसके मदर्जा बताऊंगा, तो आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लेंगे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये कानून पाकिस्तान के अंदर पास हुआ है ये कानून सिर्फ इस्लामाबाद के लिए है बाकी जो चारों सूबे हैं वो इस सिलसिले में पहले कानून साजी कर चुके हैं यानी इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है जो इसका जो रिडिक्शन है इस बिल की वो सिर्फ इस्लामाबाद है तो नाजरीन ये देखें जो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के हैं मिस्टर वलीद मैं वो हैं कौन आपको पता है कि वो हजरत इलामा इकबाल के पोते जस्टिस जवेद इकबाल और वेरी एलिगेंट लेडी जस्टिस नासरा इकबाल के फर्जान हैं स्टैंडिंग कमेटी और ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन को ये चाहिए था कि ये बिल जो है इसको जहाँ से भी लिया ये तो वैसे यूके की अगर आप वेबसाइट पर भी चले जाएं तो आपको मालूम होगा कि किस तरीके से इन्होंने कॉपी किया तो इसको ज़रा देख लेते कि ये इस्लाम के असूल इसके बारे में क्या है हज़रत मोहम्मद वसल्लम ने इसके बारे में क्या फरमाया और हमारी मशरी रवायात तो ये हैं कि मेरा घर मेरी जन्नत या घर अमन का गहवारा कहा जाता है पाकिस्तान के हर घर का ये मसला नहीं है डोमेस्टिक वायलेंस कुछ घरों का है और उसके लिए यकीनन क़ानून साजी होनी चाहिए बहरहाल ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है क़ानून साजी एक हाल है लेकिन इसका जो असल हाल है ताकि मसले को जट से ख़त्म किया जाए वो है तालीम तरबियत बहरहाल मेरी ये जो वीडियो है ये सिर्फ़ इस बिल के बारे में है मैंने इस बिल पर बड़े अच्छे तरीके से गौर किया एक एक लफ्स पढ़ा और मेरा जो कंकलूशन है वो ये है कि मैं इंतहाई अफसोस से कहूँगा कि यह ये बिल ये जो है हमारे काबिल एहतराम सेनेटर्स की कम इल्मी और ना एहली का मुँह बोलता सबूत है मेरा तज् ये है कि ये एक गैर इंसानी इंतशार फैलाने वाला हमारी रवायात के मुनाफी इस्लामी तलीमत के ख़िलाफ़ हमारे ख़ानदानी सिस्टम को मसल के रख देने वाला कानून है यह कानून एनिमल इंस्टिंग के तहफ़ के लिए तो हो सकता है लेकिन खुवात बच्चों और मुलाज़मों को तशद से बचाने के लिए हारगज़ ये कानून नहीं हो सकता ये कानून माशरे के अंदर शदीद किस्म की एक रिपल्सिव बिहेवियर जो है वो पैदा करेगा मेरा ख्याल है कि किसी सेनेटर ने इसको एक वसी तनाजर में देखने की कोशिश ही नहीं की मैं आपको इस कानून के सिर्फ दो पहलुओं से रोशनास करवाना चाहूँगा एक ये जो इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि तशद के ज़ुमरे में क्या कुछ आता है और दूसरा जो है सज़ा जो है वो क्या हो सकती है जहाँ तक जिसमानी तशद तो का ताल्लुक है यानी मारपीट मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए लेकिन इस कानून के मुताबिक जज्बात को ठेस पहुँचाना ज़ेनी तौर पर डिस्टर्ब करना गलम ग्लोज करना जिससे दूसरा अपनी तोहन और तहजीक महसूस करे तो ये भी तशद तो के ज़ुमरे में आएगा मज़ीद ये कि आप दूसरे की प्राइवेसी में मुखल नहीं हो सकते हर एक की अपनी इंटेग्रिटी है सिक्योरिटी है वो आज़ाद है और कोई उसमें मुख़ल ना हो और अगर कोई मुख़ल होगा तो ये भी तो तशद के ज़ुमरे में आएगा बीवी और मियाँ के तलुक़ की तरफ आए दूसरी शादी या तलाक का थ्रेट देना भी अगर कोई सॉलिड रीजंस नहीं है इल्जाम जो हैं वो बेसलेस हैं ये भी तो शद्दत के ज़ुमरे में आएगा नाजरीन ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया एक घर के अंदर की बात हो रही है ये किसी हॉस्टल की बात नहीं हो रही ये बात हो रही है बाप माँ बेटी बेटा बहू मुलाजिम या कोई और रिश्तेदार जो कि एक घर में रह रहे हों नाजरीन आप ज़रा ख़ुद गौर फरमाएँ कानून बनाना था कि घर में तशद तो ना हो यानी मारपीट ना हो कोई किसी को खाने पीने से डिप्राइव ना करे ये क्या बनाया है हमारे सेनर्स सेनेटर्स ने कि बरतानिया का एक पेपर लेके उसको कॉपी कर लिया वो ख़ुदा के बंदो कुछ इसके अंदर तब्दीलियाँ ही कर लेते पाकिस्तान की रवायात कल्चर को ही सामने रख लेते इस्लामी रवायात और कल्चर को ही सामने रख लेते हैं। इसके मुताबिक यह है कि बाप घर में एक कमाने वाली बगैर जज्बात महसूसात के बेगैरत सी मशीन है जिसका काम घर बनाना घर में हर किस्म का सामान मुहैया करना और बिल्स वगैरह देना लेकिन उसने स्टैचू बन के रहना है यानी देखना सुनना बोलना कुछ नहीं बेटी कहाँ जा रही है बेटा घर में किस को ला रहा है बेगम क्या कर रही है मुलाजम क्या कर रहे हैं ना तहजीब ना सकाफ़त ना कोई बड़ा ना छोटा जानवरों की तरह जो मर्जी करो अगर ज़रा किसी ने दखल अंदाजी की तो क्या होगा आपके जज्बात और आपके जो साइकलॉजिकली आप जो ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और ये तदत तो के ज़ुमरे में आएगा और आप इसको लेके कोर्ट में जा सकते हैं ये कानून नहीं फैमिली सिस्टम को डिसमेंटल करने के लिए एक बड़ा हैवी किस्म का बिल्डोजर है मेरा जिस मेरी मर्जी की तारीख तो कामयाब ना हो सकी अब कानून बनाया गया है ताकि पाकिस्तान का जो फैमिली सिस्टम है उसको बर्बाद किया जाए अब मैं ज़रा आपको थोड़ा सा सजाओं के बारे में भी बता दूं। एक तो ये है कि जी छः माह से लेकर तीन साल तक कैद हो सकती है बीस हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है ठीक है ये अगर किसी ने सही माने में तशद किया हो तो ठीक है और वायलेंस से तहफ़ फ्राहम करने के लिए कोर्ट इस तरह के अहकाम जो है वो जारी कर सकती है बिलफर्ज़ अगर बाप ने बेटी से पूछा कि आप इतनी देर से रात गए आप कहाँ से आ रही हैं तो वो कोर्ट में जा सकती है कि बाप ने मेरी तोहन की है मेरे पे एतबार नहीं किया मेरी इंसल्ट की है और अगर कोर्ट फिर क्या कहेगी कि बाप जो है आप बेटी से बात नहीं कर सकता और किसी तरीके से भी यानी सामने आके भी बात नहीं कर सकता और अगर आप इंटरनेट के थ्रू बात करना चाहें या टेलीफोन पे बात करना चाहें या आपने सेल फोन के जरिए बात करना चाहें तो फिर बाप जो है वो बेटी से बात नहीं कर सकेगा और वो बेटी से दूर रहेगा और अगर तशद ज़रा शदीद किस्म का ने किया तो अगर विलफर्स अगर मारपीट है ये तो जज ने फैसला करना है मैं सिर्फ आपको सजाएं बता रहा हूँ तो फिर क्या किया जाएगा कि बाप का घर में दाखला बंद कर दिया जाएगा और बाप के रिस्ट में या उसने टखनों के पास जो है वो क्या किया जाएगा एक जीपीएस ट्रैकर जो ना पहना दिया जाएगा ताकि जैसे हम गाड़ी में हमारा ट्रैकर नहीं लगा होता ताकि लोकेशन हम जान सकेंगे गाड़ी कहाँ है तो इस तरह बाप की वो लोकेशन जानने के लिए कि कहीं घर के अंदर वो दाखिल तो नहीं हुआ ठीक है ये सजाएं हैं आप यानी यू जस्ट इमेजिन और ये जब सारा कुछ हो रहा होगा तो घर की जो अगर किराया वगैरह देना है या बिल्स वगैरह देने हैं तो वो बाप की जिम्मेदारी होगी वो ये नहीं कर सकता कि फिर के जी वो बिल्स वगैरह ना दे ये उसकी जिम्मेदारी होगी नाजरीन ये मैंने आपको सीधा चीधा बातें बताई हैं अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि हमारी सफों में किस किस्म के लोग जो ना वो मौजूद हैं ठीक है और ये पाकिस्तान को किस तरफ ले जाना चाहते हैं ये है कि जब एक माशरे को ब्रेक करना हो डिसमेंटल करना हो जहाँ एक दूसरे के साथ बाइंडिंग्स को खत्म करना हो तो ये एटम बम की जरूरत नहीं है ये बिल जो है आप इसको एटम बम भी समझें तो नाजरीन मेरा तो यह ख्याल है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास की जानी चाहिए कि जी आप इस पर सू मोटो लें क्योंकि ये हमारे ख़ानदानी नज़ाम को हमारी आला अखलाकी अखदार और रवायात को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है नाजिन मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हर एक को इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ बुलंद करनी चाहिए ये वक्त है आवाज़ बुलंद करने का इस्लामाबाद के लिए ये जो अभी नाफि किया गया कानून जो है ये एक प्रोजेक्ट है और उसके बाद क्या किया जाएगा सारे पाकिस्तान में इसी तरीके से कानून जो है वह नाफज करने की कोशिश की जाएगी नाजरीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए बहुत सी दुआएँ अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर्डली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोस की इंटीमेशन आप तक पहुँचती रहे